नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इज अर्निंग बाय प्रभाष पे। तो दोस्तों बात करेंगे आज अडानी पावर स्टॉक के बारे में। अडानी पावर में अगर आप देखेंगे तो अभी काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। वोलेटिलिटी का वन ऑफ द बिग रीज़न क्या है कि कभी पॉजिटिव अपडेट आ रही है तो कभी निगेटिव अपडेट आ रही है, लेकिन एक भी पर्टिकुलर जो अपडेट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी स्टॉक ऑलरेडी बहुत रनअप हुआ था, देन आफ्टर दैट अगर आपने देखेंगे तो एक लोअर सर्किट लगा था और फिर स्टेबल होने के बाद फिर से देखिएगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लगा था। इसके पीछे की वजह भी हमने ऑलरेडी एक लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, बट आज एक बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है। और मैंने जैसा कि कह रखा है कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई भी अच्छी न्यूज आती है, कोई भी पर्टिकुलर पॉजिटिव अपडेट आती है, तो वो सारे स्टॉक्स को इंपैक्ट करती है, क्योंकि 2 से 3 स्टॉक इनके एक ही पर्टिकुलर बिजनेस से बिलोंग करते हैं। तो वो क्या है अपडेट, पहले वो जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बिग न्यूज़ है कि यहाँ पर देखिएगा अडानी जी एक्सपेंशन और ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। किस पे? एक्सपेंशन पे ध्यान दे रहे हैं और ग्रोथ पे, यानी कि उनका मेन मोटिव है। डजंट मैटर कि सेबी क्या कह रहा है, डजंट मैटर कि एमपीज क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर उनकी कंपनी के एग्जामिन कैसे चल रहे हैं, वो कंटिन्यू ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये अभी बात हुई थी कि अडानी ग्रीन एनर्जी देखिएगा रेस करेगा $750 मिलियन, तो वो देखिएगा पूरी तरीके से लिस्ट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी लिस्ट $750 मिलियन फॉरेन करेंसी ग्रीन बॉन्ड, तो आपको पता है कि जो बोल रहे हैं उसी तरीके का एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है। और फंड्स आएंगे तो एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा, कैश आएगा। अडानी ग्रीन भी देखिएगा पावर सेक्टर से रिलेट करता है और पावर, अडानी पावर को सपोर्ट भी करता है, कोरिलेट में इनकी कंपनी है। और आपको पता है जो ग्रीन बॉन्ड है आर लिस्टेड ऑन द इंडिया INXGSM ग्रीन प्लेटफॉर्म, तो ये चीज़ काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इससे ना केवल एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कंपनी की कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि ये एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी फंड्स को रेज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी हेल्प क्या मिलती है कि कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए कैश रिजर्व भी देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी मेजर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लिस्टेड इट्स मेड इन $750 मिलियन ग्रीन बॉन्ड्स विद द 3-year मेजोरिटी एट द कॉम्पिटेटिव कूपन बॉन्ड ऑफ 4.3% एट अ ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट प्लेटफॉर्म, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके अगर आप देखेंगे द 750 मिलियन बाय द अलॉटमेंट ऑफ द डॉलर डिनोमिनेटेड सीनियर सिक्योर्ड नोट्स के थ्रू, ये देखिएगा यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से डिटेलिंग को क्या करा है, फाइल किया है NSE के साथ। तो वन ऑफ द रीज़न है कि ये देखिएगा पॉजिटिव अपडेट कंटिन्यू थी। और उसी के साथ देखिएगा मूडीज का भी यहाँ पर देखिएगा स्टेटमेंट आया है कि द ग्रीन बॉन्ड्स वर रेटेड BA3 स्टेबल बाय मूडीज एंड हैव गार्नर्ड ह्यूज इन्वेस्टर इंटरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अब ये सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी जहां पर कई सारे अगर मगर चल रहे हैं, अडानी ग्रुप को लेकर कई सारे अगर मगर चल रहे हैं एग्जामिन से रिलेटेड, अकाउंट फ्रीजिंग से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टाइम में भी अगर देखेगा पूरी तरीके से आपको जो एक बहुत ही अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज है, वो आपको अच्छा स्टेबल एक पर्टिकुलर रेटिंग दे रही है। सेकेंड चीज ये जो है कि जो इन्वेस्टर का देखिएगा जो इंटरेस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे वो बना हुआ है, तो इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट। तो ये चीज़ क्या करेगी, कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के लिए भी बहुत पॉजिटिव है और उसका इम्पैक्ट आपको अडानी पावर में भी देखने को मिलेगा। तो वन ऑफ द ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट आज यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा ये चीज़ शेयर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्टॉक ऑलरेडी है और आप देख रहे हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है। बहुत तेज़ी से रिलायंस भी आगे बढ़ रहा है,
कि ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में, पावर सेक्टर में हमें अपनी एक्सपेंशन ग्रोथ करनी है, तो अडानी ग्रुप भी देखिएगा और तेज हो चुके हैं, लेकिन यहां पर इनको बेनिफिट क्या है, ये ऑलरेडी इस पर्टिकुलर बिजनेस में, इनको ये बिजनेस समझा हुआ है, और जो न्यू कमर्स हैं वो अभी इस बिजनेस में आएंगे, सर्वाइवल लाना होगा, बहुत सारी चीजें हैं, बट इनको ये चीज पता है। और देखिएगा द क्राइटेरिया फॉर द इश्यूएंस इज अलाइंड विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को इन्होंने क्या करा है, फुलफिल करा है। देन आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये बॉन्ड्स क्या हुए हैं, लिस्ट हुए हैं। तो ये देखिएगा वन ऑफ द पॉजिटिव अपडेट है जो कि जल्दी देखने को मिला है आपको, और ये अडानी ग्रुप के लिए भी पॉजिटिव है और अडानी पावर के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अडानी पावर को ऊपर बने के लिए, 100 रुपीज के ऊपर बने रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पे फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि इनके वॉल्यूम्स अप रहे, यानी कि मार्केट में क्रेज बना रहे। अगर वॉल्यूम्स एकदम लो हो जाते हैं तो आपको पता है मार्केट में क्रेज चला जाता है, तो नीचे की तरफ सप्लाई को खरीदने वाला कोई नहीं है, ऊपर की तरफ मार्केट में बने रहना, स्टॉक को ऊपर की तरफ 100 के ऊपर सर्वाइवल आना केवल और केवल एक बात पे डिपेंड करेगा शॉर्ट टर्म में, कि ये स्टॉक किस तरीके के वॉल्यूम कर रहा है, किस तरीके के वॉल्यूम पा रहा है। तो वॉल्यूम अगर अप रहेंगे तो पता है स्टॉक भी शॉर्ट टर्म में आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कॉन्टिन्यू ग्रोथ के लिए इनको देखिएगा, पता है कि अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो इन्हें कई शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, अनप्लेज करने पड़ेंगे, क्योंकि लेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो शेयर्स को लेंडर्स क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, जो भी आपने मॉर्टगेज में या फिर प्लेज में शेयर रखे हैं उनको बेचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टॉक का प्राइस 100 के ऊपर बना रहेगा, 100 110 बना रहेगा, तो ये चीज इनको नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। साथ ही साथ इनके क्वार्टर के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दिखना एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अगर इस वाले क्वार्टर में जिसमें आपको कोविड का कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पर अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो ये भी एक ट्रिगर बन सकता है स्टॉक की स्टेबिलिटी का, क्योंकि यहां पर कई सारे पावर स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। इसका वन ऑफ द रीजन क्या था कि कोविड का इंपैक्ट भी देखने को मिला था, तो इनको इस इंपैक्ट को दूर करना पड़ेगा और कॉन्टिन्यू ग्रोथ देखनी पड़ेगी, यानी कि अगर रेवेन्यू में ग्रोथ चाहते हैं तो कॉन्टिन्यू करें, क्योंकि लोग अदर स्टॉक्स पे स्विच हो जाएंगे जहां पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ आपको पता है कि अभी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में कई सारे अप्स एंड डाउन बने रहेंगे, क्योंकि कभी पॉजिटिव अपडेट आएगा कभी नेगेटिव अपडेट आएगा, लॉन्ग टर्म व्यू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यही आएगी कि कॉन्टिन्यू स्टॉक के क्वार्टर के रिजल्ट बढ़िया हों और स्टॉक को अच्छे अच्छे ऑर्डर मिले। अगर इनको अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और एग्जीक्यूशन आएगा और अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट में मार्जिन क्रिएट होंगे, तो अडानी पावर में भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए जितने भी लेवल बताए गए हैं उस सब पे फोकस करिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो भी पर्टिकुलर क्वार्टर के रिजल्ट हैं और इवेंट्स हैं उन पे फोकस करिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।